खराब हो जाएगी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि बार बार चुनाव करवाएंगे चलिए ठीक है आपकी बात मानी, पर बार बार चुनाव करवाना ये भी देखिए कि पैसा तो ठीक जा ही रहा है, पैसा तो मेरा जा ही रहा है देश का, पर उसके अलावा समय जो जा रहा है एक सीट खाली हो गई है वो दूसरे में ट्राई करें, दूसरे में वो जीत जाते हैं तो पहले वाली तो सीट खाली होती है। बात इलेक्शन 5 साल के लिए तो अगर सीट खाली होगी तो 5 साल बाद होगी, पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन भी होगा तो उसके बावजूद भी आपकी सीट 5 साल बाद खाली होनी रहेगी, अगर वो लड़ेगा तब भी नहीं लड़ेगा तब भी वो सीट खाली होगी। माननीय बड़ों से यही विनती करूंगा कि बस एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, हमारे भाइयों का मैं सम्मान करता हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी चीजें उनके हिसाब से होगी, नहीं, हमें सिर्फ एक देश एक चुनाव चाहिए। जय वन नेशन वन इलेक्शन में लेकर होने वाले बहुत सारे कठिनाइयां हैं, जैसे कि माना जाता है चुनाव आयोग को लगता है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बड़े पैमाने में खरीद की आवश्यकता होगी, आईवीएम और वीवीपैट मशीन के लिए प्राइवेट में 4.15 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, मशीनों को हर 15 साल में बदलने की आवश्यकता होगी, जिस पर हमारा जो टाइम है बैंक भी ज्यादा खर्च हो जाता है, बैंक का कार्य का ये होता है कि अगर बैंक का पैसा होता है कि जो सीधे खाने के लिए पैसे खाने होते हैं तो सीधे सीट कितने खाने पड़ेगी कि और सांसद इन दोनों में अलग सीट लेकर खड़ी होती है, क्योंकि क्योंकि लोग इसमें अपना प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट का लेकर जिसके पास जितनी भी संख्या हो जाती है, जैसे अगर हमारे पास 39 सीटें हैं और एक पक्ष के पास 42 सीटें हैं तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो सीटें खाली एक सीट है उसमें भी खाली होगी, इसलिए खाली होगी क्योंकि उसके पास जिस तरह ज्यादा है पार्टी जीत देगी। तो जैसा कि हमने पक्ष से और इन्होंने विपक्ष से समय के ऊपर और पैसे के ऊपर काफी चर्चा कर दी है, तो मेरे हिसाब से हमारे पास थोड़े से और कुछ चीजें हैं, जैसे कि इलेक्शन से एक महीने पहले आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसके कोई भी नया कार्य शुरू नहीं हो सकता, जो कार्य चलते आ रहे वो कार्य तो चलते रहेंगे पर जो नया कार्य है वो हम कर नहीं सकते हैं कोई भी, और जो जितने भी सरकारी मतलब सरकारी लोग हैं वो सारे उसी काम में लग जाते हैं, तो फिर एजुकेशन का भी काफी लॉस हो जाता है और बहुत सारी चीजों का इसके साथ लॉस हो जाता है अगर बार बार इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है कोई भी सरकारी आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, उसके लिए अलग से एक खुला बिल बना हुआ जिसे हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, और वो उनका काम ही यही है इलेक्शन कंडक्ट कराना, उसके अंदर पार्टी में ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में इकोनॉमी है भाई उनकी भी अच्छी इकोनॉमी है क्योंकि वहाँ एक 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 देश का एक चुनाव होता है, तो हम भी चाहते हैं कि भारत में भी ऐसे चुनाव हो। बोला कि ऐसे नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन 1983 लॉ कमीशन 1999 और NIIT आयोग 2016 में केवल कह रहा कि वन नेशन और इलेक्शन को लेकर अगर उतना ही की बात प्रैक्टिकल होगा तो अभी तक इलेक्शन होता बट ऐसा नहीं है। समय तो लगता ही है पर इसके साथ पैसे का भी बहुत लगता है, मतलब अगर चुनाव कराए जाए एक देश में बहुत सारे तो उसमें बहुत सारा खर्चा बहुत आता है, बहुत समय तो लगता ही है खर्चा भी बहुत आता है, बहुत सारी व्यवस्था करानी पड़ती है, बहुत सारे खाने की व्यवस्था और बहुत सारे मतलब जगह की व्यवस्था में बहुत पैसा खर्च होता है, तो ये मानना है मेरा। सभी को मैं आदर प्रणाम करता हूँ, मैं डॉक्टर महेश होगा कॉन्स्टिट्यूशन डिपार्टमेंट से, इनको चुना अभी जो हमने बाल विवाह एक राष्ट्र और एक चुनाव भी किया है उसको लेकर के कुछ समीक्षा या कुछ प्रश्न मैं अपनी तरफ से इन दोनों पक्षों से करना चाहूंगा।